अनेक मजहब, सभ्यता और रहन सहन वाले लोग कैनवास पर घुले रंगों की तरह अपना एक अलग वजूद बरकरार रखते हुए साथ मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, जिसे हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। इसी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है यहाँ का खाना और यहाँ की बोली या यहाँ के लोगों का इतिहास। कश्मीर के खाने खजाने की बात ही कुछ अलग है। यहाँ का भोजन कश्मीरी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और दुनिया भर के भोजन प्रेमियों को आकर्षित करता है। कश्मीरी व्यंजनों में नॉन वेज का बोलबाला है, पर यहाँ शाकाहारी व्यंजनों की भी भरमार है। सर्दियों के महीनों में चावल, मांस और मसालों का एक स्वादिष्ट गर्म मिश्रण, जिसे हरीसा कहा जाता है, कश्मीर में बहुत मशहूर है। यह डिश शरीर को गर्म भी रखती है और सेहत के लिए भी अच्छी है। एक बड़े मिट्टी के बर्तन में चावल का घोल तैयार किया जाता है और तांबे के बर्तन में पानी गर्म किया जाता है और फिर इसमें मटन, सौंफ, दालचीनी, हरी और काली इलायची, लौंग, कुरकुरी तली हुई कश्मीरी प्याज और नमक आदि का इस्तेमाल किया जाता है और इसे खास तौर से भट्टी पर बनाया जाता है। पकाने के लगभग 1.5 घंटे बाद मिट्टी के बर्तन को ढक्कन के साथ बंद कर दिया जाता है। हरीसा की एक प्लेट को मटन कबाब के साथ परोसा जाता है या फिर इस पकवान को एक चपटी रोटी के साथ भी ले सकते हैं। हरीसा की दुकानें मुख्य रूप से कश्मीर में विंटर्स में पाई जाती है, जो मार्च तक आपको लगभग हर जगह दिखाई देंगी। हरीसा यहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। यहाँ के लोग इसको ब्रेकफास्ट में भी खाना पसंद करते हैं। कश्मीरियों ने अपने भोजन में एक अलग स्वाद जोड़ने में महारत हासिल कर ली है और हर कश्मीरी रेसिपी नायाब है। दुनिया भर के लोग कश्मीर की खूबसूरत वादियों का नजारा व आनंद तो लेते ही है और एक बार हरीसा का स्वाद चख लिया तो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे।